गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस पैक जिसे अप्लाई करने से अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो आपकी पिगमेंटेशन रिड्यूस होती है। क्योंकि इस फेस पैक में मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड की है ना, वो मैजिकल होती है आपकी स्किन के लिए। एंड सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं, आपकी स्किन रिलेटेड और भी जो जो इश्यूज है, जैसे कि स्किन टैनिंग होना, स्किन में डार्क स्पॉट्स होना, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी रिड्यूस होगी अगर इस फेस पैक को आप रेगुलरली कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ करोगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है एंड आपकी स्किन एकदम ठीक है, लेकिन कभी कभी आप अप्लाई करते हो फेस पैक फॉर गेटिंग दैट ग्लो ऑन योर स्किन, लाइक फॉर गेटिंग दैट ग्लोइंग स्किन, यू नो, लाइक कोई भी शादी फंक्शन जाने से पहले आप कोई ऐसा फेस पैक अप्लाई करना चाहते हो जिससे कि आपकी फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, ब्राइटन लगती है देखने में, देन दिस इज़ द फेस पैक फॉर यू गाइस। बिकॉज मैं इस फेस पैक को कभी भी कोई भी शादी में जाती हूँ या फिर कोई भी पार्टी मुझे अटेंड करना है तो उससे एक दिन पहले मैं इस फेस पैक को अपने फेस में लगाती हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट देती है एंड स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड टैनिंग एंड ऑल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसे रिड्यूस कर देती है एंड स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है, ब्राइट लगती है। सो दिस इज़ माय फेवरेट फेस पैक। आप लोगों को भी ये फेस पैक एक बार तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि इस फेस पैक को कैसे बनाना है एंड कैसे अप्लाई करना है, देन स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पोटैटो यानी एक आलू। पोटैटो में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को क्लियर बनाती है, कोई भी डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को ये रिड्यूस करती है एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है। तो पोटैटो के जूस आपको निकाल लेनी है पोटैटो से, ये जूस हमें चाहिए इस फेस पैक को बनाने के लिए। सो सेकेंड जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है वो है रेड लेंटिल यानी मसूर दाल। ये बहुत ही इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होती है एंड मसूर दाल भी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें होती है ब्लीचिंग एजेंट जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर बनाती है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है एंड आपकी स्किन को लाइटनिंग करने के लिए भी मसूर दाल इज़ ऑसम। सो मसूर दाल की भी मैंने पेस्ट यहाँ पर बना ली है मिक्सर ग्राइंडर में। तो इसके बाद थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी यानी शहद। यहाँ पे मैं डाबर हनी यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट जो है वो है टर्मरिक यानी हल्दी। सो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आलू का जूस एंड इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून मसूर दाल की पेस्ट एंड फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हनी यानी शहद। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है हनी से। फिर इन चारों इंग्रेडिएंट को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड आलू का जूस आपको सिर्फ यहाँ पे 2 टीस्पून लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो यहाँ पे मेरी पेस्ट बन के रेडी है। सो नाउ लेट्स अप्लाई इट टू आवर फेस। तो अभी मैं इसे अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। इसे जब आप रेगुलरली यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस होती है एंड आपकी स्किन में अगर टैनिंग हुई है तो टैनिंग को भी ये रिड्यूस करता है, जिससे कि आपकी स्किन टोन एक दो शेड्स लाइट लगती है जब आप इसे रेगुलरली यूज़ करोगे। एंड इसे अप्लाई करके आपको इसे रखनी है फॉर गुड 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स के बाद जब ये ड्राई हो जाए आप इसे वॉश कर लीजिए नॉर्मल प्लेन वाटर से। एंड इसे वॉश करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश स्मूथ हो जाती है एंड टैनिंग भी बहुत हद तक रिड्यूस होती है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।